Assalamualaikum viewers, this is Danish Iftikhar again. आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी और यमी है. झटपट तो है ही, लेकिन इसमें जो है बेसिकली बिस्किट, आपने ये नाम सुना होगा लोटस का, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मेरे बच्चों को खासतौर पर बहुत पसंद है. इसके आज हम डेजर्ट बनाएंगे, उसका नाम है लोटस डिलाइट. ठीक है, सिंपल रेसिपी होगी, इसको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ. ठीक है, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं. ओके व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ आया था. बहुत ही सिंपल है ये. मैंने क्रीम लिए है, हैवी क्रीम, सिंपल मार्केट में मिल जाती है, व्हिपिंग क्रीम है. ठीक है, ये जो है 240 ग्राम्स है. आइसिंग शुगर इसमें जाएगी 100 ग्राम्स. इसमें क्रीम चीज़ जाएगी 120 ग्राम्स. क्रीम चीज़ वही है, जार वाली लेनी है जार वाली लें, अगर डब्बे वाली लेनी है डब्बे वाली ले सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी चीज़ हो. ठीक है, लोटस जाएगा स्प्रेड जो इसका होते हैं 60 ग्राम्स. ठीक है, 60-65, ये डिपेंड करता है आपको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए. ये तकरीबन 6 बिस्किट्स की जो है वो क्रश किया मैंने, और कुछ मैंने यहाँ पे रखे हैं जो कि मैं टॉप में डालूंगा. अच्छा व्यूअर, सबसे पहले जो है इसमें व्हिपिंग क्रीम में जो है आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा जो है सॉफ्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें कि भी यही 240 ग्राम जो मैंने क्रीम ली है इसमें से थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा. अब इसको जो है मैं अच्छे से पेस्ट करूंगा. ओके व्यूअर्स, ये देखिए इसको मैंने जो है सॉफ्ट बना लिया है व्हिपिंग क्रीम में. 100 ग्राम्स आइसिंग शुगर, ठीक है, इसको ऐड करेंगे और पहले जो है अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हाथ से बगैर ऑन किए, ताकि जो है क्लाउड फॉर्म नहीं हो. ठीक है व्यूअर्स, ये देखें आपने इसको जो है ज़्यादा व्हिप नहीं करना है, क्योंकि ये भी इस वक्त जो है थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में है, तो ये जब जाएगा तो ये और जो है थिक हो जाएगा. अब इसको जो है लोटस का जो मैंने ये स्प्रेड है ये हम इसमें मिक्स करेंगे. इसको थोड़ा सा अगर ज़्यादा ये सॉलिड हो रहा है, जैसे सर्दी ज़्यादा है, तो इसको आप हल्का सा डबल बॉयलर में हल्का सा मेल्ट कर सकते हैं, गर्म नहीं करना है. ठीक है ना, फिर इसको जो है इसमें मिक्स करेंगे. ठीक है, ओके व्यूअर्स, अब ये जो है लोटस का स्प्रेड, इसको मैं क्रीम चीज़ में ऐड करूँगा, व्हिपिंग क्रीम ये रही. ठीक है, इसको पहले ऐड नहीं करूँगा, इसको इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसके बाद इसमें ऐड करूँगा. ठीक है, ये मैं इसके अंदर, ये पूरा 60 ग्राम जाएगा इसमें. अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे कि कोई लम्स ना रह जाए. ठीक हो गया, ये इस वक्त जो है रेडी हो गया है. अब इसको जो है हम पूरे स्प्रेड को इस क्रीम में ऐड करेंगे. ठीक है, इसको देखें किस तरीके से ये रुकी हुई है. इसका मतलब ये कि इतनी ज़्यादा इसको अभी व्हिप नहीं करेंगे. ये अगर ओवर व्हिप हो जाएगी या फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी, उसके बाद अगर हम ये क्रीम चीज़ डालेंगे तो ये एक्स्ट्रा स्टिफ हो जाएगी. ठीक है, हमें वो नहीं चाहिए. हमें डेजर्ट बना रहे हैं हम कोई केक नहीं बना रहे जिसमें जो है हमें फ्रीज़र में सेट करना पड़ता है, ये वो चीज़ नहीं है. रेशो बिल्कुल यही रखिएगा और तरीका भी यही रखिएगा, नहीं तो फिर क्रीम जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, नरम ना हो जाए. तो है, अब हम बिल्कुल स्लो स्पीड में मिक्स करेंगे. ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल रेडी हो गई है क्रीम. इसको हम इससे ज़्यादा नहीं व्हिप करेंगे. ये देख रहे होंगे आप किस तरीके से जो है बहुत ही स्मूथली ये व्हिप हो चुकी है. मैं जल्दी से इसको चेक भी कर लेता हूँ किस तरह का इसका टेस्ट बना है. परफेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट. देखिए क्यों मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रीम जो है बेसिकली इसमें क्रीम चीज़ भी है, इसमें लोटस भी है. लोटस एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. क्रीम चीज़ थोड़ी सॉल्टी टेस्ट होता है, और आपने आइसिंग शुगर का जो मैंने रेशियो रखा है बिल्कुल वैसे ही रखिएगा. ठीक है, अब इसको मैं पाइपिंग भर के इसको असेंबल करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ. ओके व्यूअर्स, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है. ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पर लगी रह जाए, ये गिरते हुए ऐसे गिरनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम डेजर्ट बना रहे हैं, इसको जो है बिल्कुल स्टिफ होगी तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं देगी.
डबल पाइपिंग पसंद करता हूँ करना, ताकि इसमें इजी रहता है। अब इसको जो है साइड में रख देता हूँ। चीज़ केक की तरह का अगर देना चाहते होंगे तो इसको आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं, ठीक है। इससे पाइपिंग करेंगे। ठीक हो गया। ये देखें, इसमें जो है ये स्पंज है। आप जो नॉर्मल मेरे पास मेरी वीडियो एक है मेरे यूट्यूब चैनल में स्पंज की, वो एग वाले जो स्पंज होते हैं उसकी आप रेसिपी बनाएं और उसमें से ये आप काट लें, ठीक है। साइज़ मैंने छोटा इसलिए रखा है क्योंकि बच्चों ने कहा कि नहीं ये हमें कम चाहिए केक, ये आप इस तरह और बड़ा साइज़ का भी काट सकते हैं। क्रश बिस्किट्स हैं वो डालेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आप इसको कवर करते हैं। ओके व्यूअर्स, ये देखें सारी चीजें रेडी हो गई हैं। अब इसमें आपकी मर्जी है, आप पूरा लोटस डालें या फिर हाफ डालें। मैं हाफ डाल रहा हूँ उसमें। ओके व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल है, आप इसको पहले फ्रीजर में रखें फिर उसके बाद सर्व कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में किस तरह की आपको रेसिपी लगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।